अभी हमारे पास यहां पर देखे कि हमारे पास कंडीशनल है तो कंडीशनल में वी हैव टू वन इज रियल एंड अनदर इज़ अनरियल हमारे पास दो होते हैं अभी यहां पर अगर आप देखें हमारे पास दिस स्ट्रक्चर इज अ रियल स्ट्रक्चर और हमारे पास यहां पर जब रियल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हमारे पास फ्यूचर रियल है और जिसका स्ट्रक्चर और फार्मूला है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और उसके साथ साथ होगा सिंपल फ्यूचर ना अभी यहां पर अगर आप देखें सिंपल प्रेजेंट में तो हमारे पास होगा सब्जेक्ट फर्स्ट वो एस ओ एस प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस वेल शेल प्लस फर्स्ट वर्क प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अभी यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है जब फ्यूचर रियल कौन सा होता है यू हैव पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर रियल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर हमारे पास है इफ यू वर्क हार्ड तो अभी पहले सेंटेंस को अगर हम देखें यू सक्सीड तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा यू सक्सीडिड ऑप्शन नंबर बी भी हमारे ख़त्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखें यू वुड इंस्टेड ऑफ वेल वुड इज यूज तो हमारे पास एक ऑप्शन रह जाएगा यू विल सक्सीड तो हमारे पास 181 में आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट है इफ़ आई गो टू इंडिया नाउ यहाँ पर द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर यहाँ पर डोंट फर्गेट वन पॉइंट अगर आपके पास कभी भी इफ आ जाए और वेन आ जाए और इन सिंपल वर्ड यू यू हैव एंड आर फ्यूचर तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा या टेंस होगा इट मस्ट बी प्रेजेंट इन डेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हमारे पास इसके बाद हमेशा सिंपल टेंस होगा इसके बाद हम फ्यूचर कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर फ्यूचर वेल शल इस्तेमाल करते हैं तो ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग तो हमारे पास यहां पर देखिए इफ़ आई गो टू इंडिया तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होगा जिस तरह मैंने आपको लिखा है कि यू हैव टू यूज सिंपल फ्यूचर वेल शल आप इस्तेमाल करेंगे यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज इस तरह होते हैं कि मैं कहता हूं कि आफ्टर इफ और व्हेन यू मस्ट नॉट यूज सिंपल प्रेजेंट तो इसको जरा हम देखते हैं हमारे पास क्लॉज़ क्लॉज़ हमारे पास दो है एक हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज़ जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज़ और मेन क्लॉज़ भी कहते हैं एंड द सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज़ जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम सबोर्डिनेट क्लॉज़ भी कहते हैं अभी यहां पर हमारे पास अगर आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज़ को हम देखें तो इसकी शुरुआत आपके पास इफ या सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है और इंडिपेंडेंट क्लास की शुरुआत आपके पास सब्जेक्ट से होती है तो हमारे पास यहाँ पर डोंट फर्गेट दिस पॉइंट कि इफ इफ यू आर परटेनिंग टू फ्यूचर एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आप वेल well शल इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर आप सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है ये एक क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है तो दूसरे क्लॉज में यू कैन यूज़ वेल शल लेकिन जिस क्लॉज में जो डिपेंडेंट क्लॉज है फ्यूचर की तरफ आप रेफर कर रहे हैं यू कैन नॉट यूज़ वेल और शल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी यहाँ पर देखिए इफ़ आई गो टू इंडिया या फ्यूचर पॉसिबल सिचुएशन तो आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा सिंपल फ्यूचर तो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई विल मीट सलमान खान तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 183 एटी थ्री इफ यू हीट अ मेटल डेश दिस इज हमारे पास क्या है ये हमारे पास है प्रेजेंट रियल जब आपके पास कोई सिचुएशन आपके पास क्या हो ट्रू हो या जिसका रिजल्ट द रिजल्ट इज सेम एवरीवेयर इफ यू आर इन पाकिस्तान इफ यू आर इन इंडिया इफ यू आर इन अमेरिका और किसी चीज पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और जिसका रिजल्ट आपके पास सेम आता है कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आता तो याद रखे वहां पर आपके पास जो दोनों स्ट्रक्चर होंगे आपके पास इफ वेन प्लस सिंपल प्रेजेंट एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज अगेन सिंपल प्रेजेंट नाउ जैसे मैंने आपको कहा कि सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो है आपके पास सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रिस्ट ऑफ द सेंटेंस यहां पर आपके पास एस ई एस अगेन यहां पर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब एस ओ री एस प्लस रिस्ट ऑफ द सेंटेंस तो डोंट फर्गेट दिस पॉइंट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है जो स्टूडेंट अमूमन गलती करते हैं और वो है हमारे पास वर्ब वर्ब को अगर हम देखें तो हमारे पास वी वन वी टू वी थ्री वी फोर एंड वी फाइव और आ, हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारे पास एक है वर्ब सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब और न्यूट्रल वर्ब हम इसको नहीं देखते स्टूडेंट डोंट फरगेट वन पॉइंट अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाई दैट टेस्ट आप उसमें अच्छे मार्क्स ले लें तो यू हैव टू गो फॉर दिस दिस थिंग एंड दैट इज पार्सिंग पार्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन जब आपको ये समझ आएगा तो याद रख के आपको हर एक चीज बहुत आसान होती जाएगी नाउ यहां पर हमारे पास वर्ब में सिंपल सॉरी सिंगुलर और प्लूरल और न्यूट्रल वर्ब तो हमारे पास याद रखिए जो आपके पास यहां पर एस ओरियस जो है जिस तरह हमारे पास सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ वर्ब के साथ एस ओरियस का हम एड करते हैं इसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं तो डोंट फॉरगेट अवर हेयर तो हमारे पास यहां पर देखिए इफ यू हीट अ मेटल जहां पर भी आप मेटल को हीट करेंगे दिस इज यूनिवर्सल फिनमिना इसका रिजल्ट हर जगह पर सेम होगा तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इट एक्सपैंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन 184 एटी फोर इफ सॉरी डेश यू विल बी पार्डन नाउ यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास किस तरह जैसे मैंने स्टार्ट में कहा आपको कि यू हैव द वर्ड इफ और वेन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसके बाद आप वेल well और शल का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी यहां पर देखिए मैंने आपको पहले बताया कि यू हैव टू गो फॉर ओमिशन से आपको जो राइट right आंसर है वो बहुत आसानी से मिल जाता है देखिए ऑप्शन नंबर बी में यू वेल ऑप्शन नंबर बी इज गलत आपके पास सी यू वुड आपके पास ये भी गलत ऑप्शन नंबर डी यू कन्फेस्ट यहां पर देखिए पास्ट के बारे में है तो हमारे पास जब पास है तो ये गलत हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा इफ यू कन्फेस योर फॉल्ट यू वेल बी दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो वेल well की तरफ इशारा है वो फ्यूचर की तरफ इशारा है तो इसलिए हमारे पास ये वाला जब हम फ्यूचर की तरफ रेफर करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन ए नेक्स्ट है वन एटी फाइव इफ आई द प्राइम मिनिस्टर नाउ दिस इज अन स्ट्रक्चर अनरियल स्ट्रक्चर में याद रखिए जिस तरह हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं वी हैव अनदर अनदर टॉपिक दैट इज सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसकी तरफ नहीं जाते सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट की तरफ सब्जेक्ट ऑफ कंकोड को हम पढ़ते हैं लेकिन सब्जेक्ट ऑफ डिस की तरफ हम कभी भी नहीं जाते और इसीलिए जब हम सब्जेक्टिव uh, पेपर अगर हमारे पास हो या हम स्पोकन में कोई बात करते हैं तो वी आर हैविंग सो मैनी प्रॉब्लम्स क्योंकि हम हमें जो जहन में आइडियाज होता है वो हम सिर्फ सब्जेक्ट व एग्रीमेंट का रूल अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट विस एग्रीमेंट का नहीं अभी हमारे पास अनरियल स्ट्रक्चर याद रख के आपके पास होगा इफ प्लस सिंपल पास्ट और दूसरा आपके पास सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और सिंपल पास में आपके पास वाज कभी भी नहीं होगा बल्कि वर होगा तो यहां पर आप देखे इफ आई वर तो यहां पर आपके पास आई वर आया है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर नाउ आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर यहां पर दिस इज अनरियल स्ट्रक्चर दिस इज हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट तो यहां पर देखिए इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर तो हमारे पास देखिए इसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैन बी नाउन सब्जेक्ट कैन बी प्रोनाउन कैन बी इनिटिव कैन बी जी तो यहां पर देखिए आई वो चेंज दम तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वेक्स्ट है इफ अ गड अगेन यहां पर अनरियल यह स्ट्रक्चर है अभी अपियर नहीं हुआ है अगर अपियर हुआ अनरियल स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स वुड फ्ली तो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट है इफ ही हैड हेल्प मी तो डेष यह हमारे पास पास अनियल स्ट्रक्चर है और इसके लिए फार्मूला है इफ और वेन प्लस पास परफेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस रिस्ट ऑफ द सेंटेंस ये वाला है हमारे पास देखे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इफ वैन सॉरी यहाँ पर वन नहीं होगा सॉरी यहाँ पर इफ प्लस पास परफेक्ट सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो यहाँ पर देखिए इफ़ ही हैड हैड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प हमारे पास थर्ड फॉर्म तो ये पास परफेक्ट हुआ तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन आई वुड हैव हैर्न इंग्लिश ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है अ डेश यू कैन नॉट पास अगेन यहाँ पर देखे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होगा अगेन फ्यूचर की तरफ इशारा है तो वी कैन नॉट यूज़ वेल शल अगर हमारे पास सबॉर्डीनेटिंग कंजंक्शन हो तो हमारे पास यहाँ पर देखे वेल शल ऑप्शन सी और डी तो ख़त्म हो जाएगा दूसरा हमारे पास कभी भी आपके पास ही और शी या इट आ जाए तो आपके पास वर्ब के साथ यू हैव टू यूज एस और एस विद रिस्ट ऑफ द प्रोनाउंस यू हैव टू यूज एस और एस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ़ वर्ब इस्तेमाल करेंगे अलोन हम इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए 188 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन 189 आई हैव डेज हिम बिफोर सिंपल सा स्ट्रक्चर है कभी भी आपके पास हैव और हैज इस्तेमाल हुआ और इसके बाद वर्ब इस्तेमाल हो आफ्टर दीस टू वर्ड्स अगर हमारे पास और हेड भी अगर हमारे पास वर्ब इस्तेमाल हो तो इट मस्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वन एवर वी हैव दिस वन हैव हैज के बाद हमेशा हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो यहां पर देखिए ऑप्शन है ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता एक ऑप्शन रहता है option number C, तो करेक्ट वन नेक्स्ट है क्वालिटीज देखिए हमारे पास बोथ आया है बोथ द वर्ड बोथ इट्स अ प्लूरल वन तो जब हमारे पास प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होना चाहिए इसका मतलब ये है कि वोब के साथ आप एस और एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन नेक्स्ट है हमारे पास ही नेवर डेस्ड अल्कोहल अभी यहां पर देखे हमारे पास ही के साथ as i told you whenever you have the word he she it verb के साथ s और es का इस्तेमाल होगा तो यहां पर आप देखे तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर b is the correct one ऑप्शन नंबर b 192 water dash at 100 डिग्री तो हमारे पास है कि जब भी हमारे पास क्या होगा पानी आए और हमारे पास क्या है आपके पास रेगुलर हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं वी हैव टू यूज़ हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो हमारे पास है वाटर बॉइल्स हो जाएगा नेक्स्ट है 193 एवरीवन एवरी वन ऑफ द नावल्स यू सजेस्टेड डेश नॉट वर्थ रीडिंग बहुत सिंपल सी बात है अगर आपके पास लफज आ जाए ईच आपके पास आ जाए एवरी आपके पास वो आ जाए वन समी एनी वन एनी बडी नो वन नो बडी तो आपके पास जो वो होगा इट मस्ट बी सिंगुलर तो यहां पर अगर आप देखें तो एवरी वन आया है तो आपके पास वो सिंगुलर होगा तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन वन में ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है आई विश आई ड्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका अगेन ये हमारे पास क्या है अनरियल स्ट्रक्चर है या जिसको हम सब्जेक्ट वॉफ डिसएग्रीमेंट भी कहते हैं तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर क्या है कि आई विश इसके बाद अनरियल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट होगा तो हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी तो हमारे पास है ऑप्शन डी दैट इज वर वन में हमारे पास आता है डी 195 नाइन्टी फाइव ईच ऑफ द बॉयज डे पास द एंट्रेंस टेस्ट अगेन हमारे पास ही, यहाँ पर मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं ईच एवरी वन somebody, सम एनी वन इसके बाद वो सिंगुलर होगा तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास हैज आएगा ए इज द करेक्ट वन 196 नाइनटी यू एज वेल एज यूर फ्रेंड्स डेश रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बहुत सिंपल सी है बात अगर आपके पास नाउन वन हो या प्रोनाउन वन हो उसको कनेक्ट किया हो एज वेल एज ने और दूसरा आपके पास नाउन टू हो या पी टू हो तो आपका जो वर्ब है इट एग्रीज विद द फर्स्ट वन नाउन प्रोनाउन अभी हमारे पास यहां पर देखिए एज वेल एज आया है तो यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करते है? आर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन 197 नाइनटी सेवन आल इज वेल देट एंड वेल तो हमारे पास आल के साथ आई डिस्कस्ड अ फार्मूला सनम बलोच इन द क्लासेस के हमारे पास जब भी सनम बलोच आ जाए तो हमें आपको फार्मूला समझाया था उसमें आपके पास के व, आ, आल के साथ आपको मैंने एग्जांपल आल आर फाइन एंड आल इज़ वेल हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आता है या प्लूरल वर्ब आता है तो सनम बलोच फार्मूले को ज़रा दोबारा देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन वन नाइन्टी एट हमारे पास 198 नाइन्टी एट तो हमारे पास क्या है वेग और क्लाउडी तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन और नेक्स्ट वन हमारे पास है कॉल uh, मीन्स तो हमारे पास यहाँ पर समथिंग दैट इज स्ट्रेंज समथिंग दैट इज मिस्टीरियस तो हमारे पास यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड द लास्ट वन हमारे पास है ग्रेटिफाई ग्रेटिफाई का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन नाउ अगेन यहाँ पर एट द एंड यहां पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं जो कि स्टूडेंट इसको छोड़ते हैं इंग्लिश इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज वी थिंक सिंपली इसके लिए क्या है कि यू हैव टू गो फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन और इसके लिए आसान सा तरीका यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश के सब एम को ठीक कर ले यू हैव टू गो फॉर दिस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन अगर आप लोगों ने सेकेंड ईयर है या फर्स्ट ईयर के लेसन में है फर्स्ट ईयर इट हारो तो वहां पर आपके पास एक टीचर है मिस्टर सोमरवेल है आई थिंक वो कहता है कि आई डिट इन द क्लास तो पार्सिंग एक ऐसी जिसमें आपके पास नाउन को एडजेक्टिव को प्रीपोजिशनल फ्रेज को अलहदा अलहदा वो करता है तो जब आप किसी चीज़ को अलहदा पढ़ते हैं और उसको समझते हैं अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू जिस तरह इस्तेमाल हुआ है तो हमारे पास क्या होगा आप उसको समझते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी राइट ऑप्शन फाइंड आउट करने में फॉर एग्जाम्पल वेन आई वॉज स्टूडेंट तो इवन मैं आई हर्ड दिस थिंग मे बी आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि हमारे पास जब भी कोई लफ एल वाई से एंड हो दैट इज एन एडवर्व हमारे जहन में होता है लेकिन दिस इज नॉट द राइट कंसेप्ट हमारे पास सब स्टूडेंट कहते हैं कि एल वाई हमेशा एडवर्ब होगा नो दिस इज नॉट द राइट कंसेप्ट क्योंकि यहां पर अगर मैं कहूं कावर्डली पर्सन ही इज अ कावर्डली पर्सन नाउ यहां पर देखिए दिस इज अ नाउन और नाउन से पहले हमारे पास क्या होगा यहाँ पर हमारे पास एजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा तो नाउन से पहले लफ्ज हमेशा एजेक्टिव होता है आल तो इट एंड एल वाई बट दिस इज नॉट एन एडवर्ब तो ये कंसेप्ट जो लोगों के जहन में है वो गलत है तो जब आप एक लफ्ज़ को उसके यूज के मुताबिक समझते हैं तो आपके लिए आसान होगा थैंक यू